दिन भर के सह प्रायोजक हैं विष्णु शंकर ज्वेलर्स, स्विगी, मुथूट फाइनेंस। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए हमेशा की तरह नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने CCTNS कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने जिलाधिकारी सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष विभ्राट चंद कौशिक ने कहा, राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के युवा प्रतिभागियों को मिलेगा वृहद मंच। जिले में ऑपरेशन गरल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। महापौर ने गोरखपुर मैरिज हॉल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के सदस्यों को दिलाई शपथ। एंटी रोमियो प्रभारियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में की बैठक। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने उरवा थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ को जन जन तक पहुँचाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। दृश्य कला के छात्र छात्राओं द्वारा हस्त निर्मित ग्रीटिंग कार्ड प्रदर्शनी का गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में हुआ आयोजन। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रजापति महासंघ ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सिख, हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने नानका साहब गुरुद्वारे पर हमले के विरोध में पाकिस्तान का प्रतीकात्मक पुतला फूंक किया विरोध प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर JNU में हुए हमले के विरोध में SC ST OBC और अल्पसंख्यक छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने JNU की घटना पर किया विरोध प्रदर्शन। और 6A side बालिका हॉकी प्रतियोगिता होराइजन कप के फाइनल में पहुंची वीर बहादुर।